हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद डाइल्यूट एल्कली गिव्स एन इक्विलिब्रियम मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी ग्लूकोज। तो देखिए बेटा, जब डी ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं एक्वस एनर्ज के साथ, तो मिक्सर बनता है बेटा मेरा मैनोज का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। तो सबसे पहले इन डायोल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखिए मैं सारी स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जनरल फॉर्म, फर्क कहाँ आता है। ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेकेंड कार्बन होगा जिसपे मेरा OH होगा इस साइड और इस साइड H होगा। नीचे जेटा सेम रहेगा पैटर्न, तो ये मेरा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन कराओगे बेटा किसके साथ, एल्कली NOH के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा ध्यान से देखिए। यहाँ हमारा इन डायोल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, मेरा इन डायोल का फॉर्मेशन होता है। ये मेरा OH, ये मेरा OH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर H, ठीक है। नीचे ये ग्रुप आएगा बेटा और ये बन जाएगा मेरा इन डायोल। क्या बनता है, इन डायोल, ठीक है। फर्दर बेटा इससे मेरा क्या मिल रहा होता है, हमें फ्रुक्टोस और मैनोज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फ्रुक्टोस और मैनोज का, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको फ्रुक्टोस, ये सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू ओ एच, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा बेटा, मेरा सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये मेरा मैनोज रह जाएगा। मैनोज में सेम ये एच इस साइड रहता है बेटा ओ एच, ठीक है। और नीचे ग्रुप सबको सेम रहता है तीनों में ही, है ना। तो आप देख पा रहे हो हुआ क्या यहाँ पर, एक्चुअली में जब आप डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराओगे क्वेश्चन के साथ, तो मिक्सर बनता है बेटा, है ना। हमारे किसका यहाँ पे, और इससे टोटोमराइजेशन में हो गया, हमें फ्रुक्टोस और मैनोज मिल रहे होते हैं इन डायल के बनने बाद। तो आपने क्या देखा बेटा, इस कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, इसके हाइब्रिडेशन क्या एसपी थ्री है, क्योंकि चार सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ जाके सेकंड कार्बन में क्या हो गया बेटा, मेरा एसपी टू हाइब्रिडेशन हो जाती है, तीन सिग्मा बॉन्ड है केवल, ठीक है। उससे बेटा बेटा ये मेरा बनता है, ये फ्रुक्टोस बना है और ये मेरा मैनोज बना है टोटोमराइजेशन होकर, ठीक है। ये मैनोज बना है, इस बात का अपने ध्यान रखना है। तो कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ डी ग्लूकोज विद डाइल्यूट एल्कली गिवन है इक्विलिब्रियम मिक्सर कंसिस्टिंग ऑफ डी मैनोज, डी फ्रुक्टोज एंड डी ग्लूकोज। अब इस इक्विलिब्रियम मिक्सर के अंदर देखो बेटा, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है, इसके बीच में ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, तो तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होता है बेटा, डी ग्लूकोज, डी फ्रुक्टोज और डी मैनोज। बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टेटमेंट बेटा। रीजन कहता है कि द अबव अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडेशन एट कार्बन टू चेंजिंग फ्रॉम, ये बात सही है बेटा कि हाइब्रिडेशन एसपी थ्री से एसपी टू हो रही है, पर ये कोई रीजन नहीं हुआ कि इसके इक्विलिब्रियम मिक्सर बना रहा है। एक्चुअली में बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो इक्विलिब्रियम मिक्सर का फॉर्मेशन होता है हमारा, तो ये रीजन इनकरेक्ट लिखा हुआ है, पर रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो बात सही लिखी हुई है। इसका मतलब एक्सप्लेनेशन गलत है बस वो, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा सेशन की, सेशन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर टू को मैं क्या कर दूंगा बेटा, टिक कर दूंगा। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।